गाइस आप देख सकते हैं ये है लखनऊ का घंटाघर, और आप देख सकते हैं टाइमिंग देख सकते हैं इसकी, और हम आकर दिखाएंगे और बताएंगे। और ये भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है, और आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं इस जगह का, आप नज़ारा देख सकते हैं। और ये वाटर फाउंटेन लगे बने हुए हैं अंदर। हेलो गाइस, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज मैं आया हूँ घूमने के लिए लखनऊ। लखनऊ का जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वो है लखनऊ का घंटाघर। और जितनी लखनऊ में जितनी मूवी बनती है ना, सब में लखनऊ का घंटाघर का ड्रोन शॉट लिया जाता है। तो मैं आज उसी घंटाघर पर बैठा हुआ हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है लखनऊ का घंटाघर, और आप देख सकते हैं। और अभी जो रिलीज हुई थी मूवी गदर 2, उसमें भी घंटाघर का वो लिया था। और एक मूवी थी शादी में ज़रूर आना, उसमें भी मतलब जितनी भी लखनऊ में मूवी शूट होती हैं, हर एक मूवी में घंटाघर का सीन लिया जाता है। और ये घंटाघर है ना, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं, और आपका यहाँ आने के बाद जाने का मन ही नहीं हुआ, इतनी प्यारी लोकेशन है। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। अगर गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये लखनऊ का क्लॉक टावर, ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है, और इसके बारे में ऐसा कुछ बताया जाता है, यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से घूमने के लिए आते हैं। और आप कुछ देख सकते हैं इस घंटाघर की सुइयों को, और आप देख सकते हैं ये लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में पड़ता है, और इसके बराबर में ये सतखंडा है जो कि आप देख सकते हैं। और ये लखनऊ का हुसैनाबाद इलाका बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम आपको इस वीडियो में इस घंटाघर के बारे में बताएंगे, और आप देख सकते हैं इस घंटाघर को। अगर हम इस घंटाघर की ऊंचाई की बात करें तो इस घंटाघर की ऊंचाई लगभग 221 फुट है। अगर हम इस घंटाघर के निर्माण की बात करें तो इस घंटाघर का निर्माण 1827 ईस्वी में करवाया था, और इस घंटाघर का निर्माण पूरा होने में लगभग 10 वर्ष का टाइम लगा था। और इस घंटाघर को नसरुद्दीन हैदर ने बनवाया था। सर, इस घंटाघर का निर्माण गवर्नर के आगमन में करवाया गया था। ये इस वाली का भी गदर फिल्म में सीन लिया गया था, इस वाली बिल्डिंग का, इस वाली का मैंने अभी दिखाई थी। और आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं इस घंटाघर का। हम इसके पास चलेंगे, पास से दिखाएंगे आपको। ये घंटाघर बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय घंटाघर है, और हम चल रहे हैं अब नीचे उतर के पानी की तरफ। और आप कुछ देख सकते हैं नज़ारा, और आप नज़ारा देख सकते हैं गाइस। और इसमें गाइस इसमें पता नहीं कहाँ से पानी आता है, कितनी गंदगी है इसमें आप देख सकते हैं। और आप इस साइड में देख सकते हैं फाउंटेन लगा हुआ है, और ये घंटाघर है, इसके हम पास चलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है, और यहाँ पर ये खजूर के पेड़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। हम चलेंगे पास, और आप देख सकते हैं ये लाल बालुआ पत्थर से बनी हुई है, ये सभी पत्थर से बनी हुई हैं ये सीढ़ियाँ। और आप देख सकते हैं कुछ नहीं आ रहा, इस साइड में भी ये बिल्डिंग बनी हुई है जो ओल्ड ही बनी हुई है, पुरानी जो किसी ने बनवाई थी राजा ने या किसी ने भी। और आप देख सकते हैं हम चलेंगे उसके पास में, और आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये लगे हुए बहुत ही ज़्यादा पानी फेंकते हैं, और आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं। इस साइड में आप देख सकते हैं ये बनी हुई है बिल्डिंग, और आप कुछ नज़ारा देख सकते हैं इस जगह का, नज़ारा देख सकते हैं गाइस।